दोस्तों आज ये फिलिप्स एलईडी टीवी का प्रॉब्लम देखेंगे। पावर ऑन करने के बाद देखिए वही जो रेड लाइट है वो ग्लो हो रहा है। स्टैंड बाय से रिलीज़ करने के लिए कोशिश करेंगे तो रिलीज़ नहीं होगा। ये मैन्युअली भी नहीं हो रहा है और मेरे पास रिमोट नहीं है फिलहाल, लेकिन स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा है। मॉडल नंबर देख लेते हैं टीवी का और बाकी सर्किट में जाके देखते हैं क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। ये मॉडल नंबर हो गया 22PFL3758 WV7। ये कॉम्बो बोर्ड है दोस्तों। हम सबसे पहले देखेंगे जो पैनल की है, पैनल की में जो पावर बटन है वो चेक करेंगे वो सही है क्या नहीं। इस सेट में वो जो की है वो सही है। नेक्स्ट चेक करेंगे 12 वोल्ट, ये जो हीटसिंक लगा हुआ है बड़ा सा, यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए डायोड भी लगाया गया है। ये देखिए लेफ्ट साइड में 12 और राइट साइड में 5 लिखा गया है। ये टेस्ट पॉइंट यहाँ पे 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं, 12.18 ये प्रॉपर आ रहा है और ये 5 वोल्ट। और ये जो जम्पर लगाया गया है ये पैनल के लिए लगाया गया है, मतलब 5 वोल्ट का पैनल है इसीलिए ये 5 वोल्ट पे जम्पर करके रखा है। बीच वाला जो पिन है वो कॉमन पिन है, पैनल पे जा रहा है और लेफ्ट साइड में लगाएगा। जब 12 वोल्ट का पैनल होगा तो ये जम्पर लेफ्ट साइड में लगेगा, मतलब 12 वोल्ट और जो कॉमन पिन है उनके बीच में जम्पर रहेगा। ये 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। अभी चेक करेंगे नेक्स्ट 3.3 वोल्ट, ये भी प्रॉपर आउट हो रहा है 3.3 वोल्ट। अभी ये रेगुलेटर एसी में भी वोल्टेज आ रहा है 3.3, लेकिन ये स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद आना चाहिए, फिलहाल आ रहा है। और ये 1.8, ये भी वोल्टेज अभी प्रॉपर आ रहा है। और ये जो फ्लैश मेमोरी पे 8 नंबर पिन है उसमें चेक करेंगे 3.3 पहुँच रहा है क्या नहीं पहुँच रहा है, ये भी पहुँच रहा है मेमोरी पे। अभी ये 1.2 वोल्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो कोर वोल्टेज 1.2 वोल्ट आउट होगा इसी कॉइल पे, यहाँ पे कोई वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये 5 पिन का जो रेगुलेटर आईसी लगाया गया है इसमें इसी पिन पे 5 वोल्ट इन हो रहा है, लेकिन 1.2 वोल्ट जो आउट होना चाहिए ये आउट नहीं हो रहा है। अभी ये जो रेगुलेटर आईसी है ये रिमूव करके उसकी जगह पर अलग से मॉड्यूल लगा के 1.2 वोल्ट सप्लाई देके देखेंगे सेट रेडी होता है क्या नहीं होता है। ये हॉट गन से रिमूव कर लेते हैं आईसी को। ये आईसी की जगह पर ये मॉड्यूल यूज़ करेंगे 1.2 वोल्ट के लिए। ये जो रेक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे शॉर्ट करने से 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.8, 1.5 ऐसे अलग अलग वोल्टेज आउट होगा, लेकिन अभी हम लोगों को चाहिए 1.2 डिफ़ॉल्ट आउट होता है 1.25 वोल्ट। कोई भी जम्पर यहाँ पे लगाना नहीं है। जैसे ही हम 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज यहाँ पे इनपुट करेंगे साथ ही साथ 1.25 वोल्ट आउट हो जाएगा। अभी हम इस सर्किट के लिए 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। 5 वोल्ट जो रिमूव किए हुए रेगुलेटर आईसी है उसमें जहाँ से सप्लाई दिया था उसी एरिया से सप्लाई करेंगे, नहीं तो कोई दूसरा जगह से देने से कुछ प्रॉब्लम निकलने का चांस रह जाता है, इसलिए वहाँ से 5 वोल्ट देने से कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्लू वायर ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया और ब्लैक वायर 1.25 वोल्ट आउटपुट। ये जो 1.25 वोल्ट के लिए कॉइल दिया गया है उसी कॉइल पे कनेक्ट किया। अभी सेट ऑन करके वोल्टेज चेक करके देखेंगे। पहले 1.25 वोल्ट चेक कर लेते हैं, ये देखिए 1.25 प्रॉपर आउट हो रहा है अभी। नेक्स्ट 3.3, ये भी आउट हो रहा है, ये भी आउट नहीं हो रहा है क्योंकि 1.25 वोल्ट आउट हो गया है। अभी जब हम स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे तभी आउट होगा। ये 3.3 आउट हो रहा है, स्टैंड बाय से रिलीज़ करके देखते हैं। अभी देखिए स्टैंड बाय से रिलीज़ हो गया है, बैकलाइट भी जल गया।
और ये वोल्टेज देख लीजिए 1.8 वोल्ट आउट हो गया है और 3.3 वोल्ट यहाँ पे ये भी आउट हो गया। अभी एक बार पिक्चर देख लेते हैं। ये वाइट डिस्प्ले आ रहा है, कोई भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। अभी पैनल में फॉल्ट हो सकता है, पीसीबी में भी हो सकता है, देखना पड़ेगा। पहले पीसीबी में देख लेते हैं जो बेसिक वोल्टेज से वो आउट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 5 वोल्ट पैनल पीसीसी वोल्टेज आउट हो रहा है और एलबीडीएस डाटा सिग्नल्स जो है RX 0 -0+ RX 1 -1+ ये सभी एक बार चेक कर लेना है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो सिंक ट्रैक्स है और क्लॉक सिग्नल ट्रैक्स, ये दोनों में से किसी एक कनेक्शन आपको मिसिंग होने से, पैनल तक नहीं पहुंचने से भी ये ब्लैंक स्क्रीन या व्हाइट डिस्प्ले से आ सकता है। फिलहाल ये जो RX सिग्नल से, ये LBDS सिग्नल्स, सभी सिग्नल आउट हो रहा है। पैनल सोर्स पीसीबी को एक बार खोल के देख लेते हैं, वहाँ पे कुछ फॉल्ट हो सकता है। बाकी यहाँ पे सभी सिग्नल्स जो वोल्टेज के हिसाब से सही बता रहा है। पैनल में ही कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। ये 5 वोल्ट का पैनल है, एक बार देख लेते हैं। 5.10 मतलब 5 वोल्ट मिल रहा है पैनल को। यहाँ पे ABDD एक बार चेक कर लेते हैं। ABDD 4.87 VCOM वोल्टेज एक बार देखेंगे। VCOM 4.12 वोल्टेज जो है ये एबनॉर्मल आ रहा है। ये हर टेस्ट पॉइंट पे सेम वोल्टेज बता रहा है लगभग। ये 3.3 देख लेते एक बार। 3.3 जगह पर 5 वोल्ट आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 5 वोल्ट ही एक बार सही तरफ से चेक कर, 5 वोल्ट की जगह पर देखिए कम आ रहा है, 1.49। एक्चुअली मैं पीसीबी से ग्राउंड लेके देख रहा था, अभी पैनल में ग्राउंड लेके देख रहा हूँ तो ये 1.49 आ रहा है। शायद पैनल पीसीसी वोल्टेज में ही कुछ गड़बड़ हो सकता है ऐसा लग रहा है। जो पैनल पीसीसी वोल्टेज है वो बोर्ड से लेके और जो ग्राउंड है वो सोर्स पीसीबी से लेके देख रहा हूँ तो देखिए 1.43 आ रहा है। एक बार इसे उल्टा करके देखते हैं। 5 वोल्ट यहाँ से माप करके और ग्राउंड मेन बोर्ड से लेके सही आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लाइन कहीं पे मिसिंग है। LBDS केबल में भी हो सकता है। LBDS केबल लगाने वाला सॉकेट भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, वो भी हो सकता है। फिलहाल हम मेन बोर्ड से ग्राउंड लाइन को डायरेक्ट दे के देखेंगे सोर्स पीसीबी में। ग्राउंड लाइन अलग से देने से पहले सोर्स पीसीबी में जो पैनल पीसीसी वोल्टेज और ग्राउंड लाइन है, ये दोनों के बीच में रेजिस्टेंस चेक कर लेना है, क्योंकि पीसीसी वोल्टेज कहीं पे शॉर्ट भी हो सकता है। अभी ये कनेक्शन, ग्राउंड कनेक्शन अलग से देने के बाद देखिए वोल्टेज 3.3 और 5 वोल्ट ये प्रॉपर आ रहा है, और ABDD वोल्टेज जो है 12.95 ये भी आउट हो रहा है, मतलब ग्राउंड लाइन सोर्स पीसीबी में नहीं पहुंचने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। अभी ब्लू स्क्रीन तो लग रहा है, देखिए ये ब्लू स्क्रीन भी आ गया, मतलब पिक्चर आ गया है टीवी में। वीडियो सिग्नल लेके एक बार देख लेते पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, इसे तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ये देखिए बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रहा है। ओके दोस्तों,